हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस को देखा था, जो अपना केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसको हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और अपना रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, और हमने कम्बाइनली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड देयर कॉमन नेम्स। जो अपना आरबी का जो सीबीटी 1 हुआ था, एलटी का जो सीबीटी 1 हुआ था, उसमें हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिले थे। तो उसी तरह जो अपना आरबी जेई का जो एग्ज़ाम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अपना एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, उसका जो कॉमन नेम है वो एस्प्रिन होता है, और उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है C9H8O4। जो ना एस्पिरिन होता है, इसका ही हम लोग यूज़ करते हैं, फीवर हो गया, ठीक है, हेडेक हो गया, तो इसमें हम लोग एस्पिरिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है NaSCO3। नेक्स्ट है सोडियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, इसको हम लोग इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, ये थोड़ा मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक गलत लिख दिया, इसका केमिकल फॉर्म होता है CaOCl2। ओके, नेक्स्ट है सोडियम टेट्राबोरेट, जो अपना सोडियम टेट्राबोरेट का जो कॉमन नेम होता है बोरेक्स, और उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Na2B4O7.10H2O। ओके, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा ही बोलते हैं, उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, जो अपना सोडियम कार्बोनेट होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका हम लोग कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है, और उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो Na2CO3.10H2O। अगर मैं इसको एग्जैक्टली बोलूँ ना, तो इसका जो अपना कंपाउंड है, उसका नाम होता है हाइड्रस केमिकल सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर और इसका इसमें से अगर जो अपना एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होता है ना, उसमें जब हम लोग वाटर को ऐड करते हैं, तब जा करके वो हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बनता है, मतलब वॉशिंग सोडा बनता है। तो अपना जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा एस बोलते हैं। तो ये एक ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, जो अपना Na2CO3, आगे हम लोग आएंगे एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस Na2CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा एस बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने इसमें ऐड करना भूल गया था, तो आप इसको एक बार इसको ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम लोग ड्राई एस भी बोलते हैं, इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो अपना जो फायर एक्सटिंग्यूशर होता है उसमें हम लोग उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अपना जो ये चार है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है कि ब्लू विट्रोल किसको बोलते हैं, ग्रीन विट्रोल किसको बोलते हैं, व्हाइट विट्रोल किसको बोलते हैं, और ऑयलो विट्रोल किसको बोलते हैं। तो अपना जो ब्लू विट्रोल होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, और अपना जो ग्रीन विट्रोल होता है उसको हम लोग फेरस सल्फेट को बोलते हैं, और अपना जो व्हाइट विट्रोल होता है उसको हम लोग जिंक सल्फेट को बोलते हैं। ठीक है, हमने जो ऑयल ऑफ विट्रोल होता है हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको हम लोग क्विकलाइन बोलते हैं, उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaO। ओके, नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक क्लोराइड, इसको हम लोग फोजिन बोलते हैं, और उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है COCl2 होता है। नेक्स्ट आते हैं कॉपर सल्फेट पे, जो अपना कॉपर सल्फेट सेमी हाइड्रेट होता है उसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, और उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस को होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, हाफ एच टू ओ इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, और अपना जो CaSO4.2H2 होता है वो जिप्सम का होता है, सो करेक्ट कर लीजिएगा, वो जिप्सम का होता है। ओके, हम नेक्स्ट आते हैं मीथेन, मीथेन को हम लोग मास गैस भी बोलते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है CH4 होता है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, ये इससे तो आप लोग अवेयर ही होंगे, उसको हम लोग टेबल सॉल्ट बोलते हैं, NaSCO का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और NaSCO का केमिकल फॉर्मूला होता है। एक है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ठीक है, लाफिंग गैस बोलते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है N2O। नेक्स्ट है क्लोरोपिक्रीन, जिसको हम लोग टीयर गैस भी बोलते हैं, उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C10H5ClN2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्राइड, इसको हम लोग हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं, उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaH2। नेक्स्ट है ड्राई क्लोरो डाइफ्लोरो टोलुइन, इसको हम लोग फ्रियोन भी बोलते हैं, और इसका यूज़ पहले हम लोग करते थे किसमें,
रेफ्रिजरेटर में करते थे, एयर कंडीशनिंग में इसका यूज़ करते थे, अब इसको बैन कर दिया गया है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CF2Cl2। अब नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम बोलते हैं और CaSO4.2H2 इसका फॉर्मूला होता है, और CaSO4.5H2 जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है जो हमने ऊपर देखा था। नेक्स्ट है डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH2 होता है। ओके नेक्स्ट है फिनॉल, जो फिनॉल होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6O और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अपना जो RRB JE का एग्ज़ाम है उसके लिए। तो अगर आपको इस वीडियो का जो PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ से इस वीडियो का जो PDF है इसका मिल जाएगा। ओके तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।